आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय सूचना व प्रसारण व खेल मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 9 दशक की यात्रा को पूरा करने की ओर है अग्रसर। लाखों छात्र संस्थान में कर रहे हैं अध्ययन। ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज स्मृति तृतीय अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को शिकस्त देते हुए ट्रॉफी पर किया कब्जा। विजेता और उपविजेता टीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पुरस्कृत। कहा, खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रदेश सरकार है कटिबद्ध। खाद कारखाने के लोकार्पण अवसर पर गोरखपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्थलीय निरीक्षण। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने 50 लाख के चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर की जा रही है विधिक कार्रवाई। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में आयोजित हुआ संपूर्ण तहसील समाधान दिवस। आए फरियादियों की फरियाद सुनकर उसके निस्तारण के दिए निर्देश। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 155 केंद्रों पर 17,258 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,577 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,681 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अवसर पर शनिवार को एमपी इंटर कॉलेज के मैदान से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक और देशभक्ति से ओतप्रोत झांकियों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं हुए शामिल।